हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम उमर हाल। तो बेटा, हमने अभी तक जो है क्लास 12 एनसीईआरटी बायोलॉजी में हमने चैप्टर नंबर 1 जो है वो फिनिश कर दिया है, ठीक है ना। उसके मैंने आपको क्वेश्चंस भी दे दिए हैं और आई होप कि आप वो सारे क्वेश्चंस अच्छे से करेंगे। और मेरे हिसाब से तो जहां तक मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किया पढ़ाया है तो 100% क्वेश्चन सॉल्व होने वाले, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है बेटा जो आपसे नहीं बनेगा। लेकिन बाई चांस अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है तो प्लीज वो क्वेश्चन आप मेरे को फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। तो हम उसके बारे में बेटा एक्सप्लेनेशन देंगे, उसको बेटा अच्छे से दोबारा से समझा देंगे, ठीक है ना। एक्चुअल में हमें अभी चैप्टर नंबर 2 शुरू कर, बिकॉज हम अभी तक बॉटनी पढ़ रहे थे बेटा। तो बॉटनी का चैप्टर नंबर 1 हमने फिनिश कर दिया, तो अब हम बॉटनी का चैप्टर नंबर 2 शुरू करने वाले थे, जो था हमारा बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्लावरिंग प्लांट्स। लेकिन आप में से कुछ बच्चों ने बोला कि सर हमको अभी आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्लावरिंग प्लांट्स मत कराइए, सबसे पहले आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन करा दीजिए। तो आज हम आए हैं बेटा उसी चैप्टर के साथ, ठीक है ना, जो आपका पसंदीदा चैप्टर है जिसकी आपने बेटा फरमाइश करी है, और वो चैप्टर है बेटा ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, ठीक है ना। अब रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन चैप्टर जो है बेटा, ये एक्चुअल में फिजियोलॉजी का ही चैप्टर है, जो हमने 11th में ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ी है। दिस चैप्टर ऑल्सो बिलोंग्स टू द पार्ट ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी, बट वहां से इसको सेपरेट करके बेटा 12th में दिया गया है। और रीजन बेटा इसका कहीं ना कहीं ऐसा है कि बिकॉज गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट या जो भी मतलब बाकी कंट्रीज है बेटा, इस टाइम में बहुत ज्यादा फोकस दिया जा रहा है सेक्स एजुकेशन के ऊपर, कि मतलब सेक्स एजुकेशन का मतलब क्या है, डैश इंड जो चीजें सेक्स एजुकेशन में आती है। बिकॉज ये एज जो है आपका, अभी आप 12th में पढ़े तो 18 ईयर्स के लगभग आपका इस टाइम पे एज है बेटा। तो दिस इज द एज जहां पे आपको बेटा पता होना चाहिए सेक्स एजुकेशन के बारे में, सेक्स के बारे में, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में, फीमेल रिप्रोडक्टिव, बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग कि जिससे एक इंसान को शर्माना चाहिए, घबराना चाहिए, अरे हम सर हमको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्यों पढ़ा रहे हैं, सर हमको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्यों पढ़ा, बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ अवर बॉडी, दिस इज अस। तो अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारी बॉडी का पार्ट है, जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़े थे बेटा तब तो कोई शर्म या कोई डर नहीं लगा था, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था कुछ ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइम आता है तो लोग पता नहीं इसको कुछ अलग वे में ले जाते, बट दिस इज नथिंग डिफरेंट बेटा, दिस इज द पार्ट ऑफ आवर बॉडी, दिस इज द सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। तो जैसे हम बाकी सिस्टम स्टडी किए हुए हैं तो दिस इज ऑल्सो सिमिलर टाइप ऑफ सिस्टम, इसमें शर्माने या कोई ऐसी बात नहीं है बेटा, ठीक है ना। तो जस्ट थिंक यू आर गोइंग टू बी अ फ्यूचर डॉक्टर, तो अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो यू जस्ट हैव टू रिमूव ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम यूर माइंड, बिकॉज एक डॉक्टर बेटा इंसान को एज अ पेशेंट देखते हैं। मैंने आपको हमेशा ये बात बोली, इट डजंट डिस्क्रिमिनेट अ पेशेंट ऑन द बेस ऑफ मेल, ऑन द बेस ऑफ फीमेल, ऑन द बेस ऑफ गुड, ऑन द बेस ऑफ बैड, ऑन द बेस ऑफ क्लीन और ऑन द बेस ऑफ समथिंग, टू हिम अ पेशेंट इज पेशेंट, एक पेशेंट पेशेंट होता है। तो सेम तरीके से ये सिस्टम है बेटा, दिस इज ऑल्सो ए सिंपल थिंग, दिस इज ऑल्सो ए नॉर्मल थिंग, तो इसमें कोई अलग चीज नहीं है, ठीक है। चलिए ये बात आप याद रखेंगे बेटा पूरे जब हम थ्रू आउट पढ़ेंगे। दूसरी चीज जो मैं बताना चाहता हूँ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, वो ये है कि इस पर्टिकुलर सिस्टम में, ठीक है, जो हमारे सिस्टम पढ़ने वाले हैं बेटा, इस सिस्टम में कम से कम लास्ट 4-5 ईयर्स में बेटा कंटिन्यूअसली 5 से लेकर 7 या 6 से लेकर 7 आप देख लीजिए क्वेश्चंस एवरी ईयर नीट के अंदर आए हैं बेटा। पेपर उठा के देख लीजिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर बेटा, आपको कम से कम 5 से लेकर 6 या 7 क्वेश्चंस एवरी ईयर आते हैं। तो ये डेफिनेटली आएंगे बेटा, इसमें कोई शक ही नहीं है। मोस्ट क्वेश्चन यहाँ पे डायग्रामेटिक आते हैं, तो प्लीज डायग्राम आप एनसीईआरटी का बेटा अच्छे से करके देख लीजिएगा। हम एक लेक्चर डायग्रामेटिक डायग्राम्स का भी ले लेंगे अलग से, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा बेटा डायग्राम्स का लैबिंग करते जाना। तो यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन बेटा डायग्राम से आते हैं, थ्योरेटिकल भी आते हैं, ऐसा नहीं कि थ्योरेटिकल नहीं आता, थ्योरेटिकल भी आता है। तो डायग्राम आप खुद थोड़ा घर पे देख लीजिए, हम लास्ट लेक्चर डायग्राम्स का लेंगे और थ्योरेटिकल पोर्शन हम आपको करा देते हैं बेटा। और मैंने आपको पहले भी बोला है बेटा, गारंटी है मेरा कि जब मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगा ना, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको कोई और बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जो मैं आपको पढ़ाऊंगा आपका 100% पेपर, इनसाइड एनसीईआरटी, आउटसाइड एनसीईआरटी, चाहे वो एनसीईआरटी में है या आउट ऑफ एनसीईआरटी में क्वेश्चन आया, वो हमने क्लास में या डीपीज में बेटा हमने वो डिस्कस करा ही होगा। तो ये आप टेंशन मत लीजिए, हमारा लक्ष्य जो है, हमारा टारगेट जो है बेटा, मैंने आपको 11th में स्टार्टिंग में बोला है 360 out of 360, और इंशाल्लाह हमने लास्ट ईयर भी बेटा उस टारगेट के नजदीक पहुंचे और इंशाल्लाह वो टारगेट जल्दी पूरा भी करें, ठीक है। तो चलो ज्यादा देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं बेटा हमारा नया चैप्टर एनसीईआरटी बायोलॉजी क्लास 12 चैप्टर नंबर 3, और चैप्टर का नाम है बेटा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और 5 से लेकर 6 क्वेश्चन आते हैं, ये दिमाग में रखिएगा।
अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे जाने से पहले सबसे पहले समझ लेते हैं बेटे कि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है और रिप्रोडक्शन जरूरी क्यों है, रिप्रोडक्शन किस चीज को बोलते हैं और रिप्रोडक्शन करना जरूरी क्यों है बेटा। ठीक है, देखो हमने पहला चैप्टर ऑलरेडी खत्म कर दिया बेटा रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म, तो मैंने वहां पे आपको ऑलरेडी बताया है बेटा कि रिप्रोडक्शन का मतलब होता है, जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे देता हूँ, हमने एवोल्यूशन पढ़ना है आगे या टेंथ में आपने एवोल्यूशन पढ़ा है बेटा, तो एवोल्यूशन में आपने जरूर पढ़ा होगा कि अर्थ का जो है, अर्थ का जो लाइफ स्पैन है बेटा, मतलब अर्थ की जो एज है बेटा वो कितनी है, 4.5 मिलियन ईयर्स एगो इस अर्थ के ऊपर सबसे पहले क्या हुआ बेटा, लाइफ का फॉर्मेशन हुआ, लाइफ का जन्म हुआ, मतलब धरती के ऊपर सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म बेटा अकॉर्डिंग टू साइंस अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी जो आए बेटा वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स थे, और वो कब आए बेटा, वो 4.5 मिलियन ईयर्स एगो आ गए। क्लियर है, अब 4.5 मिलियन ईयर्स पहले बेटा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बना, फिर उसके बाद अलग अलग चीजें बनती गई, फाइनली एक ह्यूमन लाइक ऑर्गेनिज्म बना। ठीक है, जो हम एवोल्यूशन में पढ़े बेटा रामोपैथिकस ऑस्ट्रेलोपैथिकस डैश एंड डैश एंड डैश, फिर हमारे एंसेस्टर्स भी बने होंगे बेटा, आपके फादर उनके फादर उनके फादर डैश एंड डैश एंड डैश। ठीक है ना, अब इस टाइम पे हम है बेटा इस धरती के ऊपर, हम अभी जिंदा है, तो हम इस धरती में आए क्यों या हमें इस धरती में लाया क्यों गया बेटा, हमें इस धरती में इसलिए लाया गया बाय आवर पेरेंट्स या बाय आवर एंसेस्टर्स, बिकॉज कहीं ना कहीं वो चाहते थे बेटा कि इस धरती के ऊपर हमारा जो रेस है, हमारी जो स्पीशीज है वो क्या हो, वो बेटा हमेशा के लिए मेंटेन रहे, कायम रहे बेटा। कोई भी इंडिविजुअल कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कभी भी ये नहीं चाहेगा कि उसका एक्सटेंशन हो धरती से, वो खत्म हो धरती से। ठीक है, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का यही बेटा कोशिश रहता है कि उसके आने वाले टाइम में उसके ऑफस्प्रिंग्स रहे, उसकी जनरेशन रहे या उसके प्रजाति के लोग रहे बेटा, उसकी स्पीशीज के लोग रहे। टू मेंटेन दिस स्पीशीज या टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज, टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ बेटा, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, वो हमेशा कोशिश करता है अपने जैसे ही ऑर्गेनिजम्स बनाने की। जैसे हम इंसान है, हम अपने जैसे इंसान बनाने की कोशिश करेंगे, बैक्टीरिया अपने जैसे बैक्टीरिया बनाने की कोशिश करेगा, प्लांट अपने जैसे प्लांट बनाने की कोशिश करेगा, आप समझ रहे ना, बर्ड अपने जैसे बर्ड बनाने की कोशिश करेगा। ये क्यों करते हैं, जस्ट फॉर वन थिंग, टू मेंटेन द लाइफ ऑन अर्थ और टू कंटिन्यू द स्पीशीज ऑन अर्थ बेटा, समझ आया ना। अब ये लाइफ को मेंटेन करने के लिए, इस स्पीशीज को मेंटेन करने के लिए हर एक ऑर्गेनिज्म के पास एक ही तरीका है बेटा, वो क्या है, वो है प्रोसेस, जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है ना, रि का मतलब होता है बेटा रिवर्स, वापस, प्रोडक्शन का मतलब होता है बनाना बेटा, मतलब हर एक ऑर्गेनिज्म क्या चाहता है, अपने जैसे और ऑर्गेनिजम्स बनाना चाहता है, अपने जैसे और ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करना चाहता है। ये जो प्रोसेस है बेटा टू प्रोड्यूस सिमिलर ऑर्गेनिजम्स और लाइक ऑर्गेनिजम्स बेटा, समझ आ रहा है ना, ये जो तरीका है बेटा अपने जैसे ऑर्गेनिज्म बनाने के, अपने जैसे और लोग बनाने के, इसी प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, इसी को हम रिप्रोडक्शन नाम देते हैं। यानी शॉर्ट में रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस जहां पे क्या होता है बेटा, वन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस सिमिलर और लाइक ऑर्गेनिज्म बेटा, अपने जैसे और ऑर्गेनिज्म बनाएगा, प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। डेफिनेशन क्लियर हो गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलग है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलग है, सेक्सुअल के टाइप्स अलग है, असेक्सुअल के टाइप्स अलग है, वहां पे आदमी सब कुछ खत्म कर दिया बेटा चैप्टर नंबर वन में, यहां पर उसको दोबारा से डिस्कस नहीं करेंगे। अब हम आते हैं बेटा पहली चीज पर जो मैंने यहाँ पे लिखी, तो डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया, अब मैंने यहाँ पे क्वेश्चन एक लिखा है बेटा, व्हाई ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब ह्यूमंस के अंदर बेटा खाली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही क्यों एक तरीका है नए ऑर्गेनिज्म बनाने का, हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों नहीं कर सकते, हम बाइनरी फ्यूजन क्यों नहीं कर सकते, हम फ्रेगमेंटेशन क्यों नहीं कर सकते, हम बडिंग क्यों नहीं कर सकते, डैश एंड डैश एंड डैश बेटा, मतलब हम अपने आप से क्वेश्चन, देखो बायोलॉजी एक सब्जेक्ट है बेटा जहां पे आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप समझो चीजों को, आप दिमाग में बिठाओ चीजों का, ऐसा हो क्यों रहा है, आप क्वेश्चन करो, हम खुद को क्वेश्चन कर रहे हैं अभी बेटा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ह्यूमंस में खाली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही क्यों होता है, हमारे अंदर खाली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों ऐसा तरीका है जिसकी वजह से रिप्रोडक्शन कर सकते हैं बेटा। इसका रीजन ये है बेटा कि मेरे को बताइए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स बेटा बायोलॉजिकल वर्ल्ड में कौन है, वो कौन से ऑर्गेनिज्म बेटा जिनमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, ह्यूमंस है बेटा, मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म ह्यूमंस माने जाते हैं, आपको पता है बेटा। ठीक है ना, तो अगर ह्यूमंस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, तो दैट मींस बेटा ह्यूमंस का जो जीनोम होगा, ठीक है ना बेटा, ह्यूमंस का जो बेटा जीनोम होगा वो जीनोम भी कैसा होगा, वो भी कॉम्प्लेक्स होगा बेटा। अगर ह्यूमंस कॉम्प्लेक्स लिविंग बीइंग्स है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, तो दैट मींस बेटा इनके जीन्स, इनके क्रोमोसोम्स, इनके जीन की सीक्वेंस, इनके जीन के नंबर डैश एंड डैश एंड डैश बेटा,
वो भी क्या होंगे, वो भी कॉम्प्लेक्स ही होंगे। समझ आ रहा है ना, किसके कंपैरिजन में, उन सारे ऑर्गेनिजम्स के कंपैरिजन में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखा सकते हैं बेटा। बिकॉज ह्यूमंस जो है बेटा, ह्यूमंस के अंदर कॉम्प्लेक्स जीनोम पाया जाता है, कॉम्प्लेक्स बॉडी आर्किटेक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर पाया जाता है, और यही रीजन है बेटा कि इस कॉम्प्लेक्स जीनोम को नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करने के लिए, नेक्स्ट जनरेशन में भेजने के लिए बेटा ह्यूमंस के पास एसेक्सुअल तरीका नहीं है। बिकॉज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन है बेटा जहां पे जीन्स का इक्वल सेग्रीगेशन नहीं होता है, जहां पे क्रोमोसोम्स का एक्यूरेट सेपरेशन, एक्यूरेट रेप्लिकेशन, एक्यूरेट सेग्रीगेशन नहीं हो पाता है बेटा। वो तरीका है ऐसा बेटा कि जहां पे जीन की म्यूटेशन की रेट बहुत ज्यादा है बेटा। समझ आ रहा है, एसेक्सुअल की मैं बात कर रहा हूं, समझ आ रहा ना। लेकिन अगर आप बेटा ह्यूमंस की बात करो तो ह्यूमंस का बॉडी का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, कॉम्प्लेक्स है, जीन्स का आर्किटेक्चर सिक्वेंसिंग नंबर कॉम्प्लेक्स है बेटा। तो इस कॉम्प्लेक्स जीनोम को अगर मैं नेक्स्ट जनरेशन में भेजना चाहता हूँ बेटा, तो भेजने के लिए मेरे पास एक स्पेशल तरीका होना चाहिए, एक स्पेशल तरीका होना चाहिए, और वो तरीका एसेक्सुअल नहीं है बेटा। बिकॉज एसेक्सुअल वो सारा सेग्रीगेशन नहीं कर सकता, एसेक्सुअल अच्छे से जीन्स को सेपरेट नहीं कर सकता, एसेक्सुअल अच्छे से जीन्स को नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं कर सकता है बेटा। बिकॉज एसेक्सुअल बेटा ये सारे काम नहीं कर सकता है, तो ह्यूमंस के पास कोई चॉइस नहीं बची बेटा। ह्यूमंस के पास एक ही तरीका है रिप्रोडक्शन करने का, और वो तरीका क्या है बेटा, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो प्लीज याद रख लेना बेटा कि ह्यूमंस के अंदर खाली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों है, इसलिए है बेटा बिकॉज ह्यूमंस का जीनोम कॉम्प्लेक्स जीनोम है बेटा। ह्यूमंस के जीन्स का सिक्वेंस बड़ा कॉम्प्लेक्स सिक्वेंस है, और इस कॉम्प्लेक्स सिक्वेंस को बेटा नेक्स्ट जनरेशन में अच्छे से भेजने के लिए, अच्छे से ट्रांसफर करने के लिए हमारे पास बेटा अगर एसेक्सुअल मैकेनिज्म होता तो वो ट्रांसफर एक्यूरेट नहीं हो पाता, वो ट्रांसफर बराबर नहीं हो पाता बेटा। तो उस ट्रांसफर को बराबर करने के लिए, एक्यूरेट करने के लिए बेटा, एक्यूरेसी के साथ भेजने के लिए हमने क्या चुना बेटा, हमने मॉडिफाइड तरीका चुना रिप्रोडक्शन का, जिस मॉडिफाइड तरीके को हम क्या नाम देते हैं, जिसको हम नाम देते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझ आया ना बेटा, क्लियर हो गया। अब ये आपको पता है बेटा, ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। ह्यूमन जो होते हैं बेटा, वो भी पैरस है कि वे भी पैरस है, जल्दी बोलिए। वेरी गुड बेटा, वे भी पैरस है। वे भी पैरस का मतलब हम अपने बच्चों को बेटा इनसाइड बॉडी नरिश करते हैं ड्यूरिंग फ्यूटल स्टेज, और फिर हमारे बच्चे जन्म लेते हैं बेटा। हमारी फीमेल जो है दे डजंट ले एग्स, दे गिव बर्थ टू द यंग वंस बेटा। तो ऐसे एनिमल्स जो बच्चों को जन्म देते हैं, ना कि अंडे देते हैं बेटा, ऐसे एनिमल्स जो बच्चों को जन्म देंगे, ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, आपको पता ही है ठीक है ना। ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, ऐसे एनिमल्स को विवी पैरस बोलते हैं बेटा। तो मतलब ह्यूमंस आर विवी पैरस, विवी पैरस मतलब जो बच्चों को जन्म देते हैं बेटा। समझ आ रहा है, अगर अंडे देते तो अंडे वालों को ओवी पैरस बोलते हैं बेटा। ऐसे एनिमल्स बेटा जो एग्स को ले नहीं करते, मतलब एग्स को बॉडी से बाहर नहीं लाते बेटा, वो एग्स को बॉडी के अंदर ही हैच करेंगे और फिर बच्चा बाहर आएगा, ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ऐसे एनिमल्स को हम नाम देते हैं ओवी पैरस बेटा, ठीक है ना, इनको हम बोलते हैं ओवी पैरस बेटा। समझाया ना, ऑलरेडी पढ़ाया हो बेटा, तो ये आज जिसमें शार्क या रेटल स्नेक का एग्जांपल याद रखेंगे ठीक है ना। तो मतलब हम क्या वही बिलोंग करते हैं वेवी पैरस एनिमल्स बेटा, ठीक है। कुछ ओवी पैरस होते हैं जो अंडे देते हैं, और कुछ अंडों को ले नहीं करते बल्कि बॉडी के अंदर हैच करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, ओवो वेवी पैरस बोलते हैं। समझ आ गया, चलिए। तो ये तो हो गया बेटा बेसिक्स है, इसमें से आपको कुछ चीजें आगे पता भी है बेटा, और कुछ चीजें आगे पता ना भी थी वो आपको पता चल गया ठीक है। अब हम आते हैं बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, जिसमें बेटा नीट के अंदर आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आपको बेटा इसे अच्छे से याद रखना ठीक है। वो है इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ठीक है। तो वो है बेटा इवेंट्स, इवेंट्स इन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा। इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब कि अब हमने मान लिया बेटा हम ह्यूमंस के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने वाला है, हम जीन्स को थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ट्रांसफर करने वाले, हमने ये भी मान लिया और याद भी रखा बेटा कि हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है,
हमारी बॉडी के अंदर बड़ा बेबीज का डेवलपमेंट इनसाइड फीमेल बॉडी होता है ड्यूरिंग फेटल स्टेज, फिर बेबी जन्म लेते हैं बेटा, हमने मान लिया कि हम विवाहित, क्लियर है ना। अब हमारी बॉडी में अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है ना, तो उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बेटा फाइनलाइज करने के लिए, उसको अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचाने के लिए या उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक फाइनल रिजल्ट निकालने के लिए बेटा हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं या हमें किन किन इवेंट्स के थ्रू गुजरना पड़ेगा बेटा, ठीक है ना। तो वो इवेंट्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो हम याद भी रखेंगे बेटा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बेटा बता देता हूँ, फिर हम लिखेंगे बेटा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना चाहते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का मेन मकसद क्या है बेटा, मेन मकसद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का है कि अपने जैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म को बनाना। अगर थ्रू साइंस देखे बेटा इंसान के अंदर एनिमल्स के अंदर रिप्रोडक्शन क्यों आया, रिप्रोडक्शन इसलिए आया बेटा टू कंटिन्यू लाइफ टू कंटिन्यू स्पीशीज। तो अगर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना चाहते हैं, आपने सोच लिया कि मेरे को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का मेन मकसद क्या है बेटा, मेन मकसद ये है कि एक ऑफस्प्रिंग बनाना, अपने जैसा एक ऑफस्प्रिंग बनाना। अब अपने जैसा ऑफस्प्रिंग बनाने के लिए सबसे पहला काम जो बॉडी को करना पड़ेगा बेटा, वो मेल हो या फीमेल हो बेटा, वो ये होना चाहिए कि मेल के अंदर बनना चाहिए बेटा कोई ऐसा सेल, और फीमेल के अंदर भी बनना चाहिए कोई ऐसा सेल जो दोनों सेल्स बाद में मिक्सअप होकर क्या करे बेटा, एक जायगोट का फॉर्मेशन करे। और उन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, अगली पता है आपको बेटा, उन्हें हम गैमेट्स बोलते हैं। दैट मींस रिप्रोडक्शन का सबसे पहला इवेंट, रिप्रोडक्शन का सबसे पहला स्टेप जो होगा बेटा वो क्या होगा, वो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स होगा। मेल भी गैमेट बनाएगा, फीमेल भी गैमेट बनाएगी बेटा। दैट मींस फर्स्ट स्टेप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फर्स्ट इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। और फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, जल्दी जल्दी बोले शाबाश, वेरी गुड बेटा, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स को हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं बेटा। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स को हम क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं बेटा। मतलब पहला इवेंट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है वो क्या है बेटा, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, प्रोसेस को हम गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। समझ आया। अब आपको ये भी पता है बेटा गैमेटोजेनेसिस दो प्रकार का होता है बेटा। अगर आप स्पर्म बनाना चाहते हो, ठीक है ना, तो स्पर्म बनाने वाले गैमेटोजेनेसिस जो है उसको हम क्या नाम देते हैं बेटा, सुभाष, स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं बेटा। वेरी गुड, समझ आया ना। यानी गैमेटोजेनेसिस दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है ना। और बताइए बेटा गैमेटोजेनेसिस जिसमें एग बनाया जाएगा, ओवा बनाया जाएगा बेटा, उसे हम क्या बोलते हैं, आपको पता है बेटा, समझ आया ना। तो मतलब पहला स्टेप जो पहला इवेंट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। मेल गैमेट बनाएगा थ्रू स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल गैमेट बनाएगा थ्रू ओजेनेसिस बेटा, ठीक है ना। और दोनों प्रोसेस को गैमेटोजेनेसिस के अंदर स्टडी करेंगे। लास्ट पे अभी बस इवेंट याद रख लेते हैं। पहला इवेंट याद हो गया, अब आपने गैमेट बना लिया बेटा, मेल ने अपना गैमेट बना लिया, फीमेल ने अपना गैमेट बना। अब सेकंड स्टेज आपके हिसाब से क्या होना चाहिए बेटा, वेरी गुड, सेकंड स्टेज होगा बेटा इनसेमिनेशन। मतलब मेल जो है बेटा वो अपने गैमेट को डिपॉजिट करेगा, वो अपने गैमेट को ट्रांसफर करेगा किसके अंदर, फीमेल की बॉडी के अंदर बेटा। अब फीमेल की बॉडी के अंदर ही गैमेट ट्रांसफर क्यों किया जाता है, वो आपको रीजन पता है बेटा, बिकॉज डेवलपमेंट, गेस्टेशन या वो सारे ऑर्गन जो डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, वो सारे ऑर्गन जो गेस्टेशन के लिए जरूरी वो किसके पास है, फीमेल के पास है बेटा। डेवलपमेंट किसकी है, बॉडी के अंदर होगा, फीमेल की बॉडी के अंदर होगा, तो इसलिए ट्रांसफर भी किसके अंदर किया जाएगा, फीमेल की बॉडी के अंदर किया जाएगा। और ये जो इनसेमिनेशन स्टेप है बेटा, दिस इनसेमिनेशन स्टेप इज अचीव्ड थ्रू अ प्रोसेस जिसको हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स बोलते हैं बेटा। मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स क्यों होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स का मेन मकसद ही क्या है बेटा, ट्रांसफर और इनसेमिनेशन ऑफ गैमेट्स, और कुछ नहीं बेटा। ये समझ आया कि नहीं समझ आया, दैट मींस सेकंड स्टेप जो है बेटा दैट इज प्रोसेस ऑफ इंसेमिनेशन। और प्रोसेस ऑफ इंसेमिनेशन मेल दिखाता है, पार्टिसिपेट फीमेल करती है बेटा, लेकिन मेन एक्टिव जो है प्रोसेस वो मेल का है बेटा। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसे हम इनसेमिनेशन बोलते हैं। दैट मींस स्टेप नंबर टू जो होगा बेटा, ये इवेंट नंबर टू जो होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो क्या बेटा, वो है इनसेमिनेशन बेटा, याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये बेटा ऐसे लगा, ये स्टेप नंबर सेकंड बेटा इनसेमिनेशन, ये समझ आया ना। अब मेल गैमेट बेटा मेल की बॉडी के अंदर बना था,
फीमेल गैमेट फीमेल के बॉडी के अंदर बना था, अब मेल ने बेटा थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स अपना गैमेट ट्रांसफर कर दिया किसकी बॉडी के अंदर, फीमेल की बॉडी के अंदर। अब जब ये गैमेट बेटा फीमेल की बॉडी के अंदर पहुंचेगा, ठीक है ना, मतलब स्पर्म जब फीमेल की बॉडी के अंदर पहुंचेगा, इट विल क्रॉस वजाइना, इट विल क्रॉस सर्विक्स, इट विल क्रॉस यूट्रस एंड फाइनली इट विल रीच ऑर्गन, स्पेशल स्ट्रक्चर, जिस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं जब आगे पढ़ेंगे उसको फ्लोपियन ट्यूब बोलते हैं। और फ्लोपियन ट्यूब के अंदर क्या होता है बेटा, यहाँ पे होगा ये कि उधर से एग आया, इधर से स्पर्म आया, और दोनों क्या कर गए, दोनों मीट कर गए, दोनों जुड़ गए बेटा। और इस मीटिंग प्रोसेस को, उस जुड़ने की प्रक्रिया को हम क्या नाम देते हैं बेटा, हम नाम देते हैं फर्टिलाइजेशन बेटा। समझ आया ना, मतलब स्टेप नंबर थ्री या इवेंट नंबर थ्री क्या है बेटा, इवेंट नंबर थ्री है फर्टिलाइजेशन बेटा। फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट बेटा, ठीक है ना। यहां पर लिख देते हैं फर्टिलाइजेशन बेटा, ठीक है ना। और फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट बेटा। ये समझ आ रहा है ना, फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट बेटा, ये समझ आया ना बेटा, क्लियर हो रहा है सब कुछ। तो पहले क्या हुआ, चलो मैं तेरे को जल्दी रिपीट कर दो बेटा, मैं सुन रहा हूँ सब कौन कौन आंसर दे रहा है। पहले क्या हुआ, वेरी गुड, जल्दी जल्दी, वेरी गुड, गैमेटोजेनेसिस हुआ। मेल की गैमेटोजेनेसिस को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। फीमेल की गैमेटोजेनेसिस को क्या बोलते हैं, ओजेनेसिस बोलते हैं। समझ आया ना। सेकंड क्या हुआ बेटा, सेकंड हुआ इंसेमिनेशन, एक्टिवली पार्टिसिपेट किया मेल ने, पैसिवली पार्टिसिपेट किया फीमेल ने बेटा, और फाइनली स्पर्म कहां पहुंच गया, फीमेल की बॉडी के अंदर पहुंचा। और थर्ड क्या हुआ, स्पर्म ट्रेवल करेगा थ्रू वजाइना, थ्रू सर्विक्स, थ्रू यूट्रस, और फाइनली कहां पहुंचा, फ्लोपियन ट्यूब में पहुंचा बेटा। एंड फ्लोपियन ट्यूब के अंदर क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज, तो बता जल्दी जल्दी आंसर बेटा इसका, वेरी गुड, द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज फ्लोपियन ट्यूब बेटा। समझ गया ना, क्लियर हो गया, यहां पे हमारा खत्म हो गया, ठीक है ना। अब आते हैं बेटा स्टेज नंबर फोर में, इवेंट नंबर फोर में बेटा, तीन इवेंट्स खत्म हो गया ऑलरेडी बेटा, अब आते हैं इवेंट फोर। अब फर्टिलाइजेशन का एंड रिजल्ट क्या है बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं फर्टिलाइजेशन का एंड रिजल्ट क्या, फर्टिलाइजेशन से हमको मिला क्या बेटा, फर्टिलाइजेशन से हमको मिलता है बेटा एक डिप्लॉइड सिंगल सेल, जिस डिप्लॉइड सिंगल सेल को हम क्या नाम देते हैं, जिसको हम जायगोट नाम देते हैं बेटा। मतलब फर्टिलाइजेशन में हमको क्या मिला, फर्टिलाइजेशन में हमको बेटा फर्स्ट डिप्लॉइड सेल मिली, जिस डिप्लॉइड सेल को हम क्या नाम देते हैं, जिसे हम जायगोट नाम देते हैं बेटा। समझ आया ना, जब ये जायगोट बेटा फ्लोपियन ट्यूब के अंदर बन जाता है, फ्लोपियन ट्यूब के अंदर बनने के बाद ये डिवाइड करना शुरू करता है बेटा। हम आगे पढ़ेंगे ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, होलोब्लास्टिक क्लीवेज होगा, वो हम बाद में पढ़ेंगे, अभी इतना याद रख लीजिए। फ्लोपियन ट्यूब के अंदर जब मेल एंड फीमेल गैमेट मिक्स हुआ तो एक डिप्लॉइड सेल बना, जिस डिप्लॉइड सेल को हम क्या बोलते हैं बेटा, जायगोट बोलते हैं, क्लियर है ना। जायगोट कंटिन्यूअसली डिवाइड करता जाएगा बेटा, कंटिन्यूअसली डिवीजन दिखाता जाएगा, चार सेल का, आठ सेल का, बारह सेल का, ऐसे 16 सेल्स का 32 सेल्स का ऐसे डिवाइड करता जाएगा। और जैसे ये 64 सेल स्टेज पे पहुंचेगा, इस 64 सेल स्टेज वाले स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं बेटा, हम ब्लास्टुला नाम देते हैं। मतलब जायगोट एक सिंगल सेल था, वो माइटोसिस से कंटिन्यूअसली डिवाइड होता गया, कंटिन्यूअसली डिवाइड होता गया, एंड फाइनली एक बॉल के समान, एक टेंस बॉल के समान बेटा 64 सेल्स का स्ट्रक्चर बना, जिस 64 सेल्स स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं बेटा, जिसको हम ब्लास्टुला नाम देते हैं बेटा। समझ आया ना। अब ब्लास्टुला जरूरी क्यों है, ब्लास्टुला इंपॉर्टेंट क्यों है बेटा, बिकॉज हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज रिलेटेड टू द ब्लास्टुला बेटा। मतलब हमारे नेक्स्ट स्टेप में होने क्या वाला है, ब्लास्टुला जैसे ही फ्लोपियन ट्यूब से नीचे गिरेगा बेटा, नीचे गिरते समय बेटा ये ब्लास्टुला अपने आप को क्या करेगा, या अपने आप को चिपका देगा, या अपने आप को अरेंज करेगा, या अपने आप को फिक्स करेगा बेटा, किसके साथ, विद द वॉल ऑफ यूट्रस बेटा। एंड दिस जॉइनिंग ऑफ ब्लास्टुला विद द वॉल ऑफ यूट्रस इज नोन एज, वेरी, दिस इज आवर नेक्स्ट स्टेप एंड दिस इज नोन एज इम्प्लांटेशन बेटा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसे हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। समझ आया ना, व्हाट डू यू मीन बाय इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन इज द फिक्सिंग और जॉइनिंग ऑफ
64 सेल स्ट्रक्चर, जिस 64 सेल स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टुला बोलते हैं बेटा, विद द वॉल ऑफ यूट्रस बेटा, समझ आया ना। मतलब जैसे ही आपका ब्लास्टुला यूट्रस के साथ जुड़ गया, इस जुड़ने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बेटा इम्प्लांटेशन बोलते हैं बेटा, समझ आया ना। और जैसे इम्प्लांटेशन होता है, यही वो स्टेज होता है बेटा जहां पे हम बोल सकते हैं कि फीमेल इज प्रेग्नेंट। फीमेल प्रेग्नेंट होने का मतलब ये नहीं होता कि जब बेटा उसका टम्मी बाहर आएगा बच्चा दिखने लगे, नहीं। साइंस के अंदर बेटा, मेडिकल टर्मिनोलॉजी के अंदर प्रेगनेंसी का मतलब होता है इम्प्लांटेशन। जब होगा तो इम्प्लांटेशन मीन्स प्रेगनेंसी बेटा, समझ आया ना। और इम्प्लांटेशन हमारा नेक्स्ट स्टेप है। अब याद रखना बेटा, जरूरी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, इम्प्लांटेशन बेटा फर्टिलाइजेशन के बाद सात, फर्टिलाइजेशन के आफ्टर फर्टिलाइजेशन सेवंथ डे होता है बेटा। मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद जब सात दिन गुजरेंगे ना, सात दिन के बाद क्या होता है बेटा, सात दिन के बाद इम्प्लांटेशन। मतलब टाइम पीरियड ऑफ इम्प्लांटेशन इज सेवन डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन बेटा, समझ गए ना। चलिए अब ब्लास्टुला जो होता है बेटा, ब्लास्टुला के बारे में छोटी सी बात बता दूं जो आपको याद रखनी है। ब्लास्टुला जो होता है बेटा, यहाँ पे लिख देते हैं, ब्लास्टुला जो बनता है ना, ब्लास्टुला के अंदर दो प्रकार की सेल्स होती है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट बेटा एग्जाम में आपने पूछा गया है, ब्लास्टुला के अंदर दो प्रकार की सेल्स होती है, टू टाइप्स ऑफ सेल्स बेटा। फर्स्ट टाइप जो होता है प्रोटोब्लास्ट होते हैं, यूनिट प्रोटोब्लास्ट सेल्स, एंड सेकंड जो होती है एम्ब्रियोब्लास्ट सेल्स। ठीक है ना, ब्लास्टुला के अंदर दो टाइप की सेल्स होती है बेटा, कौन कौन सी। द फर्स्ट वन इज नोन एज प्रोटोब्लास्ट एंड द सेकंड वन इज नोन एज एम्ब्रियोब्लास्ट। ठीक है, अब ये जरूरी क्यों है थोड़ा सा यहां याद रख लो, आगे डिटेल में पढ़ेंगे बेटा। प्रोटोब्लास्ट सेल्स बेटा वो ग्रुप ऑफ सेल्स होती है जिनकी वजह से बेटा आगे जाके जब डेवलपमेंट आगे बढ़ेगा ना, इन्हीं सेल्स की वजह से आगे जाके डेवलपमेंट के बाद बेटा बनते हैं एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स। ठीक है ना, जो हम आगे पढ़े जैसे एम्नियन, कोरियन, एलेंटॉइस, यॉक्सिक बेटा, उनके अंदर बेटा जो एम्नियन कोरियन वाला पार्ट होता है, जिस इंपॉर्टेंट पार्ट जो प्लेसेंटा बनाता है, उस पार्ट को बनाने वाला कौन होता है बेटा, ट्रोफोब्लास्ट। तो मतलब शॉर्ट में एम्ब्रियोनिक लेयर्स को कौन बनाता है बेटा, उसमें पार्टिसिपेशन कौन करता है, ट्रोफोब्लास्ट करता है। और एक्चुअल एम्ब्रियो जो है बेटा, जिससे बाद में हम बनते हैं बेटा, वो एक्चुअल एम्ब्रियो किससे बनता है, एम्ब्रियोब्लास्ट से बनता है। ठीक है, तो एम्ब्रियो फॉर्मेशन एम्ब्रियोब्लास्ट से होता है, एंड लेयरिंग जो कवर बाहर का होता है बेटा, वो किससे बनता है, वो ट्रोफोब्लास्ट से बनता है बेटा। ये समझ आया ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इम्प्लांटेशन हो गया बेटा, ठीक है ना। अब इम्प्लांटेशन के बाद क्या हुआ कि आपका जो बेटा ये ब्लास्टुला था, ब्लास्टुला फिक्स हो गया यूट्रस के साथ बेटा। अब यूट्रस के साथ फिक्स होने के बाद बेटा, अब ब्लास्टुला कंटिन्यूअसली डिवाइड करता रहेगा। ठीक है, सात महीने तक, आठ महीने तक, नौ महीने, कंटिन्यूअसली डेवलप होता रहेगा, डिवाइड होता रहेगा, और एक कंप्लीट डेवलपमेंट स्ट्रक्चर बनेगा बेटा। मतलब ये कि इम्प्लांटेशन के बाद कुछ फीमेल्स में सात महीने, कुछ फीमेल्स में आठ महीने, कुछ में नौ महीने, कुछ एनिमल्स के अंदर छह महीने, कंटिन्यूअसली डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो चलेगा बेटा। ठीक है ना, और इस फेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो को, जहां पे माँ की बॉडी के अंदर एम्ब्रियो बन रहा होता है, डेवलप हो रहा होता है, इस फेज ऑफ डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसे हम नाम दिया फिफ्थ इवेंट बेटा। ठीक है ना, इसे हम नाम देते हैं गेस्टेशन पीरियड। इसको हम क्या बोलते हैं, इसे हम गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। गेस्टेशन पीरियड क्या होता है, इज द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। क्या इसका डेवलपमेंट बेटा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, कहां पे, इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल्स बेटा। ये समझ आया ना, कुछ में छह महीने चलता है, कुछ में सात, कुछ में आठ, कुछ में नौ, डैश डैश। ठीक है ना, चलिए अब इसके बारे में इंटरेस्टिंग चीज याद रखो बेटा, कि जो हमारे एंसेस्टर्स थे ना, मतलब जिनसे हम बने बेटा, ये माना जाता है, कहां तक सच है बेटा, इसका भी कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है, लेकिन ये माना जाता है बेटा कि हमारे एंसेस्टर्स का गेस्टेशन पीरियड जो था ना, वो हमसे ज्यादा था। जैसे हमारा 9 मंथ्स अभी है बेटा, उनको 9 मंथ से ज्यादा गेस्टेशन पीरियड होता है। ठीक है, क्यों मानते हैं ऐसा, बिकॉज आपने देखा होगा, अगर गाय का बच्चा पैदा होता है, बकरी का बच्चा पैदा होता है, लाइन डियर का बच्चा पैदा होता है, जैसे वो पैदा होता है ना, वो एट ए टाइम बेटा उसी जगह खड़े हो जाते हैं, चलना शुरू करते हैं, दौड़ना शुरू करते हैं। लेकिन हमारे बच्चे ऐसा नहीं कर पाते, उनको टाइम लगता है बेटा वो सारे काम करने के लिए। और ऐसा क्यों होता है बेटा, ऐसा इसलिए होता है, ये माना जाता है बेटा, बिकॉज हमारे एंसेस्टर्स का गेस्टेशन पीरियड हमसे ज्यादा था। बिकॉज उनका गेस्टेशन पीरियड हमसे ज्यादा था बेटा, तो बाद में गेस्टेशन पीरियड डिक्रीज हो गया। ठीक है ना, और इस डिक्रीज की वजह से हमारे बच्चे बेटा ज्यादा डेवलप एट द टाइम ऑफ बर्थ नहीं होते बेटा। और ये आप आज भी देख सकते हो बेटा, आजकल और डिक्रीज होता जा रहा है बेटा। पहले 9 मंथ में प्रेगनेंसी होता था, लेकिन आजकल आप देखो मैक्सिमम प्रेगनेंसी 8 महीने, 8.5 महीने, 7 महीने में होती है बेटा। ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ये डिक्रीज इन गेस्टेशन पीरियड हो रहा है बेटा।
समझ गया ना। चले बेटा आगे बढ़ते हैं। अब गेस्टेशन के बाद क्या होगा बेटा, 9 महीने गुजर गए बेटा, बच्चा मेरा जन्म हुआ, ठीक है ना। अब बच्चे का जन्म होगा, बच्चे के जन्म को क्या बोलते हैं, पार्टुरेशन बोलते हैं, ठीक है ना। पार्टुरेशन का मतलब होता है बच्चे का जन्म होना बेटा, मतलब बच्चे का बर्थ होना बेटा, इसको पार्टुरेशन बोलते हैं, ठीक है ना। और फाइनली बच्चा जन्म लेगा, ठीक है, लास्ट है बेटा, फिर इसको मम्मी जो है भूत बुलाना शुरू करेगी बेटा, बिकॉज वी आर मैमल्स बेटा, तो क्या होगा, लैक्टेशन होगा बेटा, ठीक है ना। तो ये बेटा आपके इवेंट्स थे, किसके इवेंट्स थे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स थे, और इम्पोर्टेंट है बेटा, और सारे के सारे इवेंट्स याद रखने हैं बेटा। तो पहला इवेंट था गेमेटोजेनेसिस, सेकेंड इंसेमिनेशन, थर्ड फर्टिलाइजेशन, फोर्थ इम्प्लांटेशन, फिफ्थ गेस्टेशन, पार्टुरेशन एंड लैक्टेशन, ठीक है ना। तो ये आज का टॉपिक है बेटा, टॉपिक नंबर 1 यहाँ पे फिनिश करते हैं बेटा। और कल हम बेटा इंशाल्लाह पढ़ेंगे सेकेंड पार्ट, और जो सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे प्यूबर्टी, हार्मोन्स ऑफ प्यूबर्टी, टाइम पीरियड ऑफ प्यूबर्टी एंड डैश, ठीक है ना। तब तक के लिए बेटा थैंक यू, गुड नाइट।